गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 यह एक कविता है जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे का अर्थ होता है बातचीत। कविता शुरू करने से पहले हम कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कविता एक 10-11 साल की लड़की की चांद के प्रति कल्पनाओं पर आधारित कविता है। जो वह चांद को देखती है और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि चांद कभी तो घटता ही जाता है और कभी बढ़ता ही चला जाता है। कभी कभी वो पूरा गोल दिखाई देता है और कभी तिरछा नज़र आता है। लड़की ये सारे सवाल अपनी कल्पनाओं के आधार पर करती है और उनके जवाब भी वह स्वयं ही ढूंढ लेती है। अब हम इस बात को कविता के माध्यम से समझेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, जो बच्ची है, जो लड़की है, वो क्या कह रही है चांद को, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप कुछ गोल तो दिखाई देते हैं लेकिन कभी कभी आप मुझे तिरछे भी नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। और आपने क्या पहन रखा है, जो आकाश है जिसमें तारों सितारों से जड़ा हुआ एक आकाश आपने कपड़ों के रूप में पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटुन। और आपने आकाश का जो कपड़ा पहन रखा है उससे सारे शरीर को तो ढका हुआ है, सिर्फ मुंह को आपने खोल रखा है और वो मुंह कैसा है, गोल मटोल गोरा चिट्ठा है। मतलब बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह। अब आगे जो ये कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, लड़की की कल्पना के आधार पर। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत का अर्थ होता है यहाँ पर दिशाओं से। अब कह रहे हैं कि आपने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैलाया हुआ है। कौन सी पोशाक, जो आकाश वाली पोशाक थी जो तारों से जड़ी हुई है, उस पोशाक को आपने चारों दिशाओं में फैला दिया है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। आप गोल मटोल तो हैं पर आप कैसे नज़र आते हैं, तिरछे तिरछे से नज़र आते हैं। खूब है गोकी वाजीवा। खूब आपका क्या कहना, आप गोल मटोल हैं, गोरे चिट्टे हैं, तारों जड़ा आकाश का वस्त्र आपने पहन रखा है लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं, आपका क्या कहना। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब आगे जो लड़की है वो क्या कह रही है चांद से कि आपने हमको पूरा ही बुद्धू समझ रखा है, हम समझते नहीं कि आपको कोई बीमारी है। कैसी बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब जो लड़की है वो क्या कह रही है चांद को कि आपको लगता है कोई बीमारी है। कैसी बीमारी, कि आप अगर घटना शुरू होते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे अमावस और पूर्णिमा का जो समय होता है उसमें चांद, पूर्णिमा के समय हमें पूरा चांद दिखाई देता है, फिर वो धीरे धीरे घटता घटता अमावस्या तक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ये जो बच्ची है वो कह रही है कि मैं आपको देखती हूँ तो कभी कभी तो आप घटते ही घटते दिखाई देते हो और कभी कभी आप बढ़ते रहते हो यानी बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए।
बिल्कुल गुल। और जब तक आप नहीं रुकते हो, दम नहीं लेना मतलब जब तक आप नहीं रुकते हो, जब तक आप पूरे गोल ना हो जाओ, ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। और आपकी ये जो बीमारी है, ये मुझे लगता है मैं सालों से देख रही हूँ, कभी तो आप घटते ही चले जाते हो, कभी आप बढ़ते ही चले जाते हो। ये जो बीमारी है आपकी, ऐसा लगता है कभी अच्छी ही नहीं होगी, कभी अच्छा ही नहीं होगा आपका ये मरज, आपकी ये जो बीमारी है ये कभी भी अच्छी नहीं होगी। ये जो छोटी सी बच्ची है 10-11 साल की, ये सारी बातें चांद से अपनी कल्पनाओं के आधार पर कर रही है, अपनी जिज्ञासाओं को चांद के समक्ष रख रही है कि मुझे ये जानना है कि आप क्यों तो इतना घटते जाते हो और क्यों आप इतना बढ़ते जाते हो, और आप मुझे गोल मटोल दिखाई देते हो लेकिन कभी कभी तिरछे भी नज़र आते हो। ठीक है,